हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस क्लास में, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है विक्रम सिंह, और मैं हूं आपका अपना फिजिक्स टीचर सौरभ अग्रवाल सर। क्या हाल चाल है बच्चों, कैसे हूं आप सभी लोग? फटाफट से आ जाइए, पढ़ना शुरू करेंगे बेटा जी। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यार, आप सभी बच्चे आ जाइए, स्वागत है यार एक बार फिर से। गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो, क्या हाल चाल हैं बच्चों? रागिनी सिंह हेलो, ममता रानी हेलो। क्या मैं आपको दिखाई और सुनाई पड़ रहा हूँ? क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार मुझे हाँ या ना का जवाब दे देना। और आज बच्चों की संख्या कम क्यों है इसका भी आप लोग जवाब दे देना। क्या बात है भाई, पढ़ाई में थोड़ा सा मन कम लग रहा है क्या? मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे इस चीज़ का भी जवाब दे देना बच्चों। यस, सभी बच्चे हाँ। सोनाक्षी गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून बच्चे। सर यू आर वेरी ग्रेट, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। ममता रानी, सोनाक्षी हेलो सर, हेलो बेटा, हेलो हेलो। सभी बच्चे आ जाइए यार, सेशन को शेयर कर दीजिए। आज बच्चे बहुत कम है, बहुत कम है बच्चे। सीरियसली आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड टुडे। क्या बात है भाई, आज पढ़ना नहीं है क्या आप लोगों को? मिसी जी हाय एवरीबडी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बाबू भाई, अंकित चौधरी, सॉरी अंकिता चौधरी, कुशवाहा जी, कुशवाहा जी हेलो बेटा, हेलो हेलो। देखिए, आप लोगों की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है कि सामने वाले टीचर का इंटरेस्ट कैसा है ना। तो यार प्लीज़ बच्चों आ जाया करो यार क्लास में, आप लोगों की ही क्लास है। आप लोग पढ़ने आओगे तभी तो मैं पढ़ा पाऊँगा, आप लोग रहोगे नहीं तो मैं किसको पढ़ाऊँगा। बहुत छोटी सी, बहुत कॉमन सी चीज़ है सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। हाँ अंकिता चौधरी, यस बेटा, न्यू स्टूडेंट हो, अच्छी बात है, एक बार क्लास में बने रहना। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, है ना, आज की जो टॉपिक है वो पिछली क्लासों से लिंक है, तो हो सकता है आज आपको थोड़ा सा दिक्कत आए, पर पूरी कोशिश करूँगा समझाने की, है ना। आदित्य सर आप बहुत अच्छे हो, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा जी फिजिक्स के लिए। चलिए हार्ट्स भेज दीजिए, चलिए चलिए सेशन को शेयर भी कर दीजिए आपकी। सर आपकी हर चीज़ मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद भैया, इतना मक्खन मत लगाया करो भाई यार। आज तो आप लोग इतने मक्खन लगाए जा रहे हो। गुरुजी आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे, इतना भी अच्छा नहीं हो यार भाई यार। चलिए खैर, हमारा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है सामने, बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन, बहुत बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है। एक बार ये टॉपिक नोट कर लीजिए सभी बच्चे। हम लोगों ने बोहर का मॉडल पढ़ लिया, हम लोगों ने बोहर का ये पढ़ लिया कि यार एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, और हमने बहुत सारी चीज़ें इस पर पढ़ ली, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली बोहर के बारे में। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि बोहर के क्वांटमीकरण के द्वितीय अभिग्राहित का डी ब्रोगली द्वारा स्पष्टीकरण। डी ब्रोगली ने इसको कैसे किया, है ना, लेमडा, लेमडा बराबर क्या होता है चलिए बताइए, एच अपॉन पी। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य अगर आप निकालो तो लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, पी होता है एम वी यानी कि संवेग। खैर इन सब चीजों के ऊपर बातें करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि बच्चे फटाफट से हमसे जुड़ जाएं। चलिए थोड़ा सा थ्योरी भी है ना, थोड़ी सी एनसीईआरटी की थ्योरी है, मैं एनसीईआरटी ही लाया हूं बेसिकली अगर आप बात बताऊं तो। सर आपकी बताई हुई सारी चीज समझ में आ जाती है, चलिए अच्छी बात है बेटा। मिसी जी, मिसी जी बहुत अच्छी बात है बेटा जी, है ना। मंजू शनोई जी, गुरु जी एक बार लाइक तो कर दो यार, एक बार सेशन को लाइक तो कर दो। चलिए 50 के ऊपर आपकी बार, व्यूज, व्यूज 50 के ऊपर, लाइव वॉचिंग 50 के ऊपर, व्यूज 50 के ऊपर। हाँ चलिए, तो अब सुनिए, अब आराम से हम एक एक करके समझेंगे बोहर ने क्या बोला। अब बोहर को और डी ब्रोगली को, दोनों को हम देखते हैं क्या है। यस, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, और जो बोहर ने दिया था कोणीय संवेग के बारे में, उन्होंने बताया था कि एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, वेयर एन इज अ क्वांटम या क्वांटीकरण वाला वो जो
बेसिकली पूर्ण संख्या है, एन का मान 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, यानी कि कक्षकों की संख्या होती है बेसिकली एन कक्षा से संबंधित। तो उन्होंने दिया था कि एन कक्षा से संबंधित जो कोणीय संवेग है वो एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, और वो आर जो है वो त्रिज्या है आर एन, एन भी कक्षा की त्रिज्या। ठीक है, तो इस तरह की चीज आती है। अब हम इन दोनों चीजों को रिलेट करने की कोशिश करेंगे, हम इन दोनों चीजों से चीजों को हल करने की कोशिश करेंगे। याद रखना, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कोणीय संवेग एम बी आर, कोणीय संवेग को हम एल से भी दिखाते हैं। क्लियर है? चलिए, बोर के द्वारा, अब सुनिए, बोर ने, देखिए बहुत सारे अलग अलग वैज्ञानिकों ने परमाणु का मॉडल दिया। बोर द्वारा, बोर ने भी, बोर बोर एक वैज्ञानिक का नाम है नालायकों, बोर ने भी परमाणु का मॉडल दिया था अगर आपको याद हो तो। और बोर ने जो परमाणु का मॉडल दिया, तो बोर द्वारा प्रस्तुत परमाणु के मॉडल के सभी अभिग्रहितों में संभवतः दूसरा अभिग्रहित सबसे अधिक उलझन पैदा करने वाला था। क्या था वो? इसके कथन के अनुसार नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटित है। मैंने अभी अभी बताया, इसके अनुसार जो एम वी आर है या आर एन है, और ये वी एन ले लो, एंड दैट इज एन एच अपॉन 2 पाई, इसे ही हम एल नाम देते हैं। तो एल क्या है? कोणीय संवेग एन एच अपॉन 2 पाई, ये देखिए, और ये एल एन लिख लीजिए, एन वी कक्षा में कोणीय संवेग की हम बात कर रहे हैं ना। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एन वी कक्षा में घूम रहा है, तब अगर हमें कोणीय संवेग लिखना होगा, तो हम ये लिखूंगा, वी क्या है? एन वी कक्षा का वेग है इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन एन वी कक्षा में घूम रहा है, तो एन वी कक्षा में घूमते समय उसका चाल है, ऐसे बोल दीजिए आप, तो चाल है बेसिकली, परिमाण की हम बात कर रहे हैं। अगर स्पर्श रेखा खींचोगे तो दिशा भी आ जाएगी। आर एन क्या है? उसकी त्रिज्या है ना, एनवी कक्षा की त्रिज्या बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एनवी कक्षा की त्रिज्या। तो ये दी जाती है एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। कितने बच्चों को ये चीज पता थी? मैं इसको थोड़ा सा खुल के लिख देता हूं, एम, यस, हाँ बोलिए सभी बच्चे, बोलिए इतनी बात कितने बच्चों को क्लियर है? अरे बोलो, आगे चलते हैं। एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। एन क्या है? एन है 1, 2, 3, एन का मान है ना, कुछ भी हो सकता है, पर होगा क्वांटी, देखो होगा क्वांटित, ठीक है। हाँ, एल कोणीय संवेग है, यस 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 यस। बच्चा पूछ रहा सर एल क्या है? बेटा एल जो है वो कोणीय संवेग है, दैट इज एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग है, कोणीय संवेग है, सदिश राशि होती है कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं इसको, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। एल क्या है? कोणीय संवेग। कोणीय संवेग के केवल वही मान क्यों होते हैं जो एच अपॉन 2 पाई के पूर्ण गुणज है? अब सवाल आता है मन में कि कोणीय संवेग का वही मान, जैसे एन क्या है? एन एच अपॉन 2 पाई। तो अगर मैं इसको ऐसे रख दूं कि h अपॉन 2 पाई, और ये क्या है? n, और n क्या है? पूर्णांक, n क्या है? पूर्णांक। तो उन्होंने बोला कि कोणीय संवेग हमेशा एक पूर्ण संख्या का ही गुणज क्यों होता है? मतलब n का मान 1 रखोगे तो h अपॉन 2 पाई, 2 रखोगे तो 2h अपॉन 2 पाई, 3 रखोगे तो 3h अपॉन 2 पाई, 4 रखोगे तो 4h अपॉन 2 पाई। तो बेसिकली वो ये बोलना चाह रहा है कि यार जो कोणीय संवेग है वो केवल वही मान क्यों होते हैं जो h अपॉन 2 पाई के पूर्ण गुणज होते हैं। बात तो सही है। तो बोहर द्वारा अपना मॉडल प्रस्तुत करने के 10 वर्ष के पश्चात, अब मन में सवाल तो आता है, तो 10 साल के बाद एक फ्रांस के वैज्ञानिक हुए फ्रांसीसी, भौतिक वैज्ञानिक, फिजिक्स के ही वैज्ञानिक हुए लुइस डी ब्रोगली। क्या बोलते हैं इसको? डी ब्रोगली, जिन्होंने इस समस्या का हल ढूंढा। कौन सी समस्या का? ये समस्या का। कहां है समस्या? ये रही समस्या। अरे यार ये चीजें तो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं ना आपको। यार आप लोग अगर नहीं पढ़ना चाहोगे तो भाई मजा नहीं आएगा, मैं फिर कह रहा हूं, आप बैठिए क्लास में यार, समस्या का हाईलाइट करके दे रहा हूं मैं आपको। क्लियर है?
क्लियर है? चलो, तो क्या हुआ, डी ब्रोगली ने इस समस्या का हल ढूंढा। यहां तक कितने बच्चों को क्लियर है? सभी बच्चे देखिए चले गए यार बच्चे। फिर तुम बोलते हो कि गुरुजी यार पढ़ाओ, इसलिए मन नहीं करता मेरा पढ़ाने का। हाँ, एक बच्चा ने बोला है सोनाक्षी ने कि कौन कौन क्लास 12th में 90% से ऊपर चाहता है, तो आपको बता दूं बेटा जी, जो भी बच्चा क्लास 12th में है, सुन लो, चलो मैं बता ही देता हूँ, जो भी बच्चा क्लास 12th में है और वो चाहता है कि अपने अच्छे परसेंटेज लाएं, जैसा कि आपको पता है कि वो बोर्ड्स है, बोर्ड्स क्लास 12th है, वो बोर्ड्स है, और इसमें आपको अच्छे परसेंटेज चाहिए, तो यार बेटा हमारा क्रांति बैच चल रहा है। कौन सा बैच चल रहा है? क्रांति बैच। कितने बच्चों ने परचेस कर लिया क्रांति बैच? और ये बैच लाइव है, सबसे बड़ी चीज, ये बैच लाइव है, पूरा लाइव रहकर आपको पूरी क्लास 12th का सिलेबस करवाया जाएगा। इसमें आपको फिजिक्स पढ़ाई जाएगी, केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, मैथ पढ़ाई जाएगी, बायो पढ़ाई जाएगी और इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट्स आपको मिलने वाले हैं। तो जाइए जाइए क्रांति बैच में जाकर एडमिशन ले लीजिए। इसके लिए आपको करना होगा 0124715825 या तो हमें इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, या तो इस नंबर पर आप लोग कॉल कर लीजिए, वरना जहां पर आप लोग कमेंट कर रहे हो उसका जहां डिस्क्रिप्शन है उसमें ऊपर की तरफ हमने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करिए। क्लिक करोगे तो गूगल फॉर्म ओपन होगा, गूगल फॉर्म खुलेगा और गूगल फॉर्म को जाकर फिल कर दीजिए। गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए अपने नाम से, अपने मोबाइल नंबर से और अपनी क्लास जरूर भरिएगा। यस बच्चों, जो भी बच्चा अभी क्लास 12th में है और अभी भी उसने पढ़ना चालू नहीं किया है, या अभी भी मन में उसके डर लग रहा है कि गुरुजी मुझे तो 12वीं की टेंशन हो रही है, मुझे तो बोर्ड्स की चिंता हो रही है, मैं कैसे अच्छे परसेंटेज लाऊंगा, तो बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत ही कम कीमत पे हमने ये बैच लॉन्च कर दिया, बहुत ही कम कीमत पे। ठीक है सर, फिजिक्स केमिस्ट्री में ज्यादा मार्क्स क्यों नहीं आते? किसने बोला बेटा क्यों नहीं आते? आते हैं बच्चों के मार्क्स, तेरे नहीं आते वो अलग बात है, वरना फिजिक्स केमिस्ट्री में मार्क्स आते हैं, और वो इतना पढ़ने का मतलब है कि तू पढ़ नहीं रहा, तू उनको रट रहा है इसलिए नहीं आते। फिजिक्स तो वैसे भी रटने जैसा सब्जेक्ट है नहीं, फिजिक्स में तो मैथमेटिक्स चलती है। अगर आप लोगों को मैथमेटिक्स आती है, अगर आप लोग थोड़ा सा गणित को जानते हो, तो यार आप फिजिक्स में तो पूरा स्कोर किया जा सकता है। देखिए फिजिक्स में पूरा स्कोर हो जाता है, फिर कह रहा हूं फिजिक्स में पूरा स्कोर होता है। सुन लिया? तो चलिए, ये वाली कहानी भी समझा दी, ये जो बच्चे ने बात छिड़ी थी मैंने बता दिया कि जाइए यार आप बैच ले लीजिए, क्रांति बैच भूलना नहीं, हमारा क्रांति बैच है कि जहां पर आप लोग आपकी मोबाइल में मेरा लेक्चर चल रहा है ना, तो नीचे की तरफ देखिए एक पट्टी आ रही है रेड कलर की, जिसपे सफेद अक्षरों में लिखा हुआ है अभी कॉल करें 0124715825 पर। किस लिए? क्रांति बैच ज्वाइन करने के लिए लिखा हुआ है ना। सर नीट एग्जाम हिंदी मीडियम होता है? बिल्कुल होता है बेटा जी, नीट का एग्जाम हिंदी मीडियम में। सर फिजिक्स के इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव भी करवा दीजिए? बेटा बिल्कुल करवा दूंगा, लेकिन पहले आपको थोड़ी थ्योरी सीखनी पड़ेगी। यार मेरे को समझ ये नहीं आता, जब मैं न्यूमेरिकल्स कराता हूँ तो तुम लोग थ्योरी थ्योरी चिल्लाते हो, अब जब थ्योरी लाया हूँ तो तुम लोग न्यूमेरिकल चिल्लाते हो। यार इंसान हो ना यार, क्या पागल हो क्या? बेटा नीट का एग्जाम हिंदी में होता है, आभा कुमारी होता है हिंदी मीडियम में होता है, इसीलिए तो हमारा बैच चल रहा है नीट का भी। चलिए अब आगे चलते हैं, है ना, ये समझ में आया। अब हमने बेटा पिछली चैप्टर में जिसने लिखा हुआ है, हमने अध्याय 11 में, मैं एनसीईआरटी ले आया हूं उठा के, क्योंकि एनसीईआरटी इसलिए क्योंकि बच्चों को थोड़ी सी लैंग्वेज टफ लगती है, में डी ब्रोगली की परिकल्पना का अध्ययन किया। हमने डी ब्रोगली पढ़ लिया है बेटा, डी ब्रोगली की परिकल्पना थी, डी ब्रोगली की
हेलो सर, साउंड नहीं आ रहा। साउंड आ रहा होगा यार। क्या डी ब्रोगली ने परिकल्पना की, सुनिए। जिसके अनुसार ये जो द्रव्य कण होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है ना, मैटर पार्टिकल बोलते हैं इनको, जो ये द्रव्य, अब देखिए नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब उन्होंने हमें यह पता है कि जो कोणीय संवेग होता है वो एच अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, लेकिन क्यों होता है हर बार कोणीय संवेग पूर्ण गुणज क्यों होता है? ये बोहर ने बताया कि MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, लेकिन हर बार आपने N को पूर्णांक ही क्यों रखा है? इस बात की पुष्टि के लिए 10 साल बाद, बोहर के 10 साल बाद आए थे डी ब्रोगली की परिकल्पना। डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक जो कि फ्रांस के थे, उन्होंने इसको बहुत अच्छे से समझाया और यही बन गया था डी ब्रोगली की परिकल्पना। क्या बोला था डी ब्रोगली की परिकल्पना हमने पढ़ी, और उन्होंने क्या बोला कि जो जो मैटर पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियस सी बात है नाभिक है, हम परमाणु पढ़ रहे हैं, परमाणु में पहले नाभिक होगा और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। नहीं समझे यार, तुम लोग बातें कर लो। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये भी तरंग जैसे लक्षण प्रदर्शित करते हैं। देखिए डायग्राम में भी दिखा रखा है, ये देखो ये तरंगे बन रही है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है लेकिन तरंग जैसे लक्षण प्रदर्शित करते हैं। अब सुनिए, ये किसने बोला? ये डी ब्रोगली ने बोला, सी जे डेविसन ये वैज्ञानिक का नाम है, तथा एल एच जर्मर, इसे बोलते हैं डेविसन एंड जर्मर प्रयोग। आपको सिखाऊंगा आने वाले समय में, यहां भी नहीं, यह आपको पढ़ाया जाएगा क्लास 12th में, मतलब ऑब्वियस सी बात है क्लास 12th में ना पढ़ लिया क्या आपने डेविसन जर्मर प्रयोग? मैंने नहीं पढ़ाया होगा, हो सकता है मैंने नहीं पढ़ाया होगा, ये तो क्लास 12th का ही है। मुझे लगा कि 11th वाला थोड़ा केमिस्ट्री वाली चीजें दिमाग में आ गई थी। हाँ ये तो पढ़ा ही देते ना यार, डेविसन एंड जर्मर प्रयोग है बेटा जी, है ना, डेविसन एंड जर्मर प्रयोग द्वारा 1927 में प्रायोगिक तौर पर इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति का सत्यापन किया था, इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति का। डी ब्रोगली ने तर्क किया कि इलेक्ट्रॉन को बोर द्वारा प्रस्तावित इसकी वृत्ताकार कक्षा में एक कण तरंग के रूप में देखा जाना चाहिए। डी ब्रोगली ने बोला कि जो बोर ने तुम्हें बताया उसमें थोड़ा सा संशोधन ये करो कि जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को कण तरंग के रूप में, कण तरंग के रूप में देखा जाना चाहिए। वो कण नहीं, उसको तरंग के रूप में देखिए, है वो कण पर उसको तरंग के रूप में देखिए, और डोरी में गमन करती तरंगों के सदृश, जैसे डोरी में तरंगे गति करती है ना, उसी के जैसे कण तरंगे भी अनुनादी अवस्थाओं में अप्रगामी तरंगे उत्पन्न कर सकती हैं। देखिए अप्रगामी तरंगे उत्पन्न कर सकती हैं, ये देखिए तरंग बनी, ये वृत्ताकार कक्षा है, ये जो डैश 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 करके वृत्ताकार कक्षा है, पर आपको ये कण तरंग के रूप में देखनी है, और ये क्या है, ये नाभिक है और ये त्रिज्या है। बेटा डाउट नट लवर है ना, तूने जो बेवकूफी किया ना बेटा, है ना, ये बेवकूफी ना अपने पापा से पूछ रहा है ये सवाल कि पापा एक बात बताओ, आप दुकान पे तो बैठते हो पापा, आप दुकान पे जाते हो फिर उसके बाद पूछना ये सवाल जो तू मुझसे पूछ रहा है, फिर तेरे पापा बताएंगे कि काश मैं वही काम कर लेता, तू तो दुनिया में नहीं आता। गलत आदमी से पंगा ले लिया बेटा तूने, मत कर, है ना, तो कम से कम तू तो बाहर नहीं आता, ये ना टाइम पास मत करना मेरे सामने, और यहां गंदगी फैलाने की जरूरत नहीं है मेरी क्लास में, समझ में आया? अब सुन लिया तूने? हाँ अब सुन लिया तूने, अब जाओ, मना कर रहा हूं, टाइम पास मत कर, ये ऊटपटांग की बातें लिख रहा है यहां पे। अपने आपको डाउट नट लवर बोलता है,
अब नहीं बोलेगा ये, अब चुप पड़ जाएगा। इतनी बेइज्जती जब करवाने का ही शौक है तो। और मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैंने पहले भी कह चुका हूँ ये बात, बार बार बता चुका हूँ कि आप लोग यहाँ पर क्या कमेंट करते हो ना, मैं डायरेक्ट पूरा कमेंट नहीं पढ़ता हूँ, ध्यान रखना इस चीज़ का, मैं बहुत स्मार्ट हूँ। अब नहीं बोलेगा ये। हाँ भाई बोलना, अब क्या बात हो गई, बोल। अब बोल दे, जब बात बेटा घर वालों पे जाती है ना तो अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं। टीचर हूं ना बेटा, तो रिस्पेक्ट करना सीखो दूसरों की, है ना। ये नहीं सुधरेगा, ये फिर बोल रहे हैं, नहीं सुधरेगा भाई ये, छोड़ दो इसको, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो कण जो होती है, मैं बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो वृत्ताकार कक्षाओं में घूम रहा है, तो आप इसको सिर्फ ऐसे कण की नजरों से मत देखो, आप इसको कण तरंग के रूप में देखिए। ये है तो कण, लेकिन ये तरंगों के रूप में, तरंगे ऐसा मानिए, तरंगों के रूप में, इसको इसको तरंग जैसा मानो, कि जैसे तरंग चलती है ना, वैसे जैसे डोरी में तरंगे होती है ना, वैसे डोरी में तरंगों की तरह ये तरंगे उत्पन्न कर रहा है बेसिकली, है ना, अप्रगामी तरंगे उत्पन्न कर रहा है। कक्षा 11 के लिए भौतिकी की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 14 से हम जानते हैं कि किसी तनित डोरी को, अब हमने 11th क्लास में पढ़ा था बेटा, याद हो तो आपको, डोरी को विभिन्न स्थानों पर कर्षण करके उसमें विभिन्न तरंग दैर्ध्यों को उत्पन्न किया जा सकता है। डोरी में हम तरंगे उत्पन्न कर सकते हैं, तथापि केवल वही तरंग दैर्ध्य विद्यमान रह पाती हैं जिनके सिरों पर निस्पंद होते हैं, जो डोरी में अप्रगामी तरंग बनाती है। इसका अर्थ है कि किसी डोरी में अप्रगामी तरंगे तभी बनेंगी जब तरंग द्वारा डोरी में एक ओर जाने में तथा वापस आने में तय की गई कुल दूरी एक तरंग दैर्ध्य, दो तरंग दैर्ध्य अथवा कोई भी पूर्णांक संख्या की तरंग दैर्ध्य के बराबर हो। यह कारण है हमेशा पूर्ण गुणज होने का। ठीक है, अन्य तरंगों, तरंग दैर्ध्य की तरंगों में परावर्तन के पश्चात आपस में ही व्यतिकरण हो जाता है तथा इनके आयाम शीघ्रता से शून्य हो जाते हैं। RN यानी nवीं कक्षा की त्रिज्या की nth कक्षा में परिक्रमा करते किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा कक्षा की परिधि में तय की गई कुल दूरी 2πr और r की जगह RN। ठीक है, तो देखिए 2πrN परिधि, अब ये किसके बराबर होनी चाहिए, n लैम्डा। लैम्डा क्या है, एक तरंग दैर्ध्य। देखो आपको डायग्राम दिखाता हूं, दिस इज कॉल्ड लैम्डा। एक तरंग पूरी हुई है तो दिस इज कॉल्ड लैम्डा, ऐसी मान लेते हैं एन लैम्डा, ऐसी एन तरंगे बनी है इस पूरी परिधि में, इस पूरी लंबाई में ऐसी एन तरंगे बनी, तो ये एन लैम्डा किसके बराबर होनी चाहिए, 2πr के, और आर की जगह RN रख दिया, बस बहुत सिंपल गणित। और एन का मान क्या है, 1 2 3 डैश 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 डैश, इतना नोट करिए सभी बच्चे। आप सुनिए, और लैम्डा बराबर क्या होता है, एच अपॉन एम वी, और इसको एम वी एन लिख दू, लैम्डा की वैल्यू यहां डालो तो 2πr(n) बराबर n इंटू एच अपॉन
MVN, ठीक है, इसको इधर ले लो, तो 2π। अच्छा मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? NH अपॉन MVN। अब देखो यहीं से हम लोग लिख सकते हैं MNH, हाँ सही है ना। ऐसा करो M और V को यहाँ रख दो, तो देखिए M को यहाँ ले गया, VN RN, NH तो है ही है, अपॉन ये 2π नीचे आ जाएगा। अब देखो ये MVR क्या होता है, ये कोणीय संवेग, और यही कोणीय संवेग H अपॉन 2π का पूर्ण गुणज है। देखो नोट कर लो फटाफट से, अब यही तो है कोणीय संवेग, ये जो थ्योरी है ना वही है जो मैंने एक्सप्लेन करी अभी। ठीक है, आगे चलते हैं। बोर ने क्या बोला, देखो पहली बात तो आपको ये चीज समझ में आई। अच्छा पहले तो इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लो, ये 2πr मैंने बोला ना अप्रगामी तरंग, एक तरंग की लेंथ है लेमडा, पूरी लंबाई में पूरी वृत्ताकार कक्षा की जो पूरा वृत्ताकार जो परिधि है या जो कक्षा है उसकी जो लंबाई है वो 2πr है परिधि, और एक एक तरंग की लंबाई है लेमडा, तो एन तरंग बन रही है तो एन लेमडा, तो 2πrn बराबर एन लेमडा। एन क्या है, 1, 2, 3, और लेमडा क्या होता है, एच अपॉन एम वी संवेग। पर हम मान के चल रहे हैं कि स्पीड जो है उसकी लाइट की स्पीड से बहुत कम है, तभी हम ये संवेग रख सकते हैं कणीय नेचर से, ये तरंगीय नेचर और कणीय नेचर को मिक्स करके बोलो बोलने की बात कही है। तो 2πrn बराबर एन एच अपॉन एम वी एन, वहीं से हमने निकाला एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2π। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। बोर मॉडल जिसमें चिर प्रतिष्ठित प्रक्षेप पथ चित्र नाभिक के चारों ओर और ग्रह सदृश कक्षाएं सम्मिलित हैं, हाइड्रोजन सम परमाणु यानी कि ऐसे परमाणु जो हाइड्रोजन के जैसे होते हैं, अर्थात जो एकल इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं उनको हाइड्रोजन सम बोलते हैं, हाइड्रोजन सम बोलते हैं उनको, यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे परमाणु अर्थात जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है अर्थात हीलियम प्लस, समझ में आ रहा है, HE+, Li+2, ये सब एकल इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं के मुख्य लक्षणों या मुख्य रूप से उत्सर्जित अथवा वर्णात्मक अवशोषित विकिरणों की आवृत्तियों की उच्चतर भविष्यवाणी करता है। तथापि इस मॉडल की कुछ सीमाएं हैं, बोहर के मॉडल की सीमाएं बता रहा हूं मैं। अब देखिए इन्होंने हाइड्रोजन सम पे स्टार मार्क क्यों किया है, इसका मतलब है कि इसके जैसे भी और भी परमाणु हो सकते हैं ना, सबके लिए है। फिर ये बोर मॉडल ने ये बोला, बोर मॉडल हाइड्रोजन सम परमाणुओं के लिए ही उपयुक्त है, द्वि इलेक्ट्रॉन परमाणु जैसे हीलियम। सर अभी तो आपने हीलियम, मैंने हीलियम प्लस बोला, हीलियम प्लस के लिए है, पर हीलियम के लिए नहीं क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, के लिए भी से विस्तारित नहीं किया जा सकता है ना, केवल हाइड्रोजन सम वाले परमाणुओं के लिए। लिए बोहर मॉडल को एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के विश्लेषण के लिए प्रयोग करने के प्रयत्न किए गए, परंतु कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई, और कठिनाई यह है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन केवल धनावेशित नाभिक से ही नहीं परंतु सभी इलेक्ट्रॉनों से भी अन्योन्य क्रिया करता है, ये दिक्कत है। ठीक है, बोहर मॉडल के संरूपण में इलेक्ट्रॉन तथा धनावेशित नाभिक के बीच विद्युत बल सम्मिलित है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच धनावेश ऋणावेश तो बल है, एक विद्युत बल जिसको नाम दिया है, इनमें इलेक्ट्रॉनों के मध्य विद्युत बल शामिल नहीं है जो कि बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु में आवश्यक रूप से प्रकट होता है। अब इसका, अच्छा पहले इसको नोट कर लो, सभी बच्चे इसको प्लीज नोट कर लीजिए, खत्म हो जाएगा बेटा जी ये टॉपिक।
चलो दूसरा पॉइंट, यद्यपि बोर मॉडल हाइड्रोजन सन परमाणुओं द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्तियों की सही भविष्यवाणी करता है, फिर भी यह स्पेक्ट्रम में आवृत्तियों की आपेक्षिक तीव्रताओं की व्याख्या नहीं कर पाया। जो भी बच्चे ना टाइम पास कर रहे हैं ना यार, मेरे को सच में नहीं समझ में आता कि यार टाइम पास क्यों करते हैं। यार देखो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं, अगर आपको सच में नहीं पढ़ना ना, देखो अगर आपको लगता है ना कि टीचर अपनी जिंदगी बनाने आ जाए तो तुझे दिमाग से बहुत गलत लगता है। मैं मेरी नहीं, इस दुनिया में सब की बात करूं, जो भी टीचर्स हैं यार वो अपना काम कर रहे हैं, उनको उनका भाई वो उनकी जिंदगी सेट है यार, उनकी जिंदगी सेट है। पर जिंदगी किसकी सेट नहीं है? जिंदगी तेरी सेट नहीं है, और ये होगी तब जब तू पढ़ेगा। तो पढ़ लो भाई, हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कुछ दृश्य आवृत्तियों की तीव्रता क्षीण होती है, कमजोर होती है, खत्म होती है, नष्ट होती है, जबकि दूसरी आवृत्तियों की तीव्रता प्रबल होती है। ना हाइड्रोजन के जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है उसमें बता रहा हूं दृश्य आवृत्तियों का, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रायोगिक प्रेक्षण दर्शाते हैं कि कुछ संक्रमण दूसरों की अपेक्षा अधिक स्वीकार्य है। बोर मॉडल विभिन्न संक्रमणों की विविध तीव्रताओं की व्याख्या करने में असमर्थ है। बहुत सारी जगह फेल हुए थे यार ये। देखिए अगर आप लोग सोच रहे हो ना कि परमाणु को अभी तक किसने समझ लिया, तो किसी ने नहीं समझा ढंग से। परमाणु के पूरी नॉलेज अभी तक हाथ लगी नहीं है। बहुत सारी थ्योरीज में हम लोग फेल हैं आज भी। हम लोग मतलब पूरे पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, ग्लोबल लेवल पे बहुत सारी थ्योरियों में। ठीक है, बोर मॉडल परमाणु का परिष्कृत चित्र प्रस्तुत करता है तथा इसका जटिल परमाणुओं के लिए व्यापीकरण नहीं किया जा सकता। एनसीईआरटी में थोड़ी लैंग्वेज टफ लिखी रहती है। जटिल परमाणुओं के लिए हमें क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित एक नए मूलभूत सिद्धांत का उपयोग करना होगा जो परमाणु संरचना का अधिक पूर्ण चित्र प्रस्तुत करता हो। नोट कर लो इतना और खत्म करते हैं अब इसको। बस इतना ही है, मान लो इससे ज्यादा मत जानू। चलो बहुत पढ़ा लिया, इसको नोट करो पहले। अब मेरी बात सुनिए, देखो अब मत पढ़ो मुझसे, मैं बिल्कुल मैं मना नहीं करता हूं, आप बिल्कुल चले जाइए मेरे से, मत पढ़िए। मुझे इसमें इस बात का दुख नहीं है, मुझे दुख पता है कि इस बात का है, मुझे दुख इस बात का है कि तुम्हारे पेरेंट्स ना तुमसे बहुत उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे बहुत सारी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि हमारा बच्चा पढ़ रहा होगा। अच्छा एक बात बताता हूँ, आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? सुनिए आपके पेरेंट्स, अच्छा आप लोग ऐसा क्यों करते हैं मैं बताता हूँ। देखिए आपको आपकी उम्र का दोष है, आपको करनी है इश्कबाजी, आपको करनी है लड़कियों से बात, लड़कों से बात, जो लड़की है वो लड़कों से बात करने के लिए ऐसे आतुर रहे, मरी जा रही है कि यार वो जो पहला आकर्षण होता है ना वो यही उम्र मान लो तुम्हारी है ना, वो निब्बा निब्बी जो बोलते ना, थोड़ा सा कड़वा है पर सच है, वो तुम ही हो अभी इस वक्त, तो आकर्षण है भाई और कुछ भी नहीं है। और अब घर वाले अलग से चैट करने के लिए मोबाइल देंगे नहीं इस उम्र में, तो घर वाले बिल्कुल राजी नहीं होते कि तुम इन आशिकबाजियों में पढ़ो, तो घर वाले अलग से मोबाइल तो देंगे नहीं चैट करने के लिए, क्या फ्री टाइम में ले मोबाइल ले ले, पर तुम्हें तो चैट करनी है। अब तुम्हें सबसे सही टाइम लगता है क्लास, क्या क्लास के बहाने घर वालों से मोबाइल मांग लेते हैं, क्योंकि घर वाले तो दे ही देंगे ना, पढ़े ना है भाई, घर वालों ने मोबाइल दिया तूने चैटिंग करना शुरू किया, घर वालों को लगता है तू पढ़ रहा है और तुम्हें तुम्हारा मकसद सॉल्व हो जाता है। एक घंटा आधा घंटा पौन घंटा जितनी देर भी लेक्चर चलता है उतनी देर ही तो बात करनी है, बस बात करते हम, फिर नया लेक्चर नए टीचर का चालू हो जाएगा फिर हम बात कर लेंगे, यही तो चाहिए ना बेटा।
चलो खैर आवाज के लिए इतना ही, बच्चे आना नेक्स्ट क्लास में, यानी कि मंडे को मिलेंगे, आज सैटरडे है ना, ठीक है बेटा, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद तो यही करूँगा कि यार बच्चों प्लीज़ पढ़ लो, प्लीज़ पढ़ लिया करो, है ना, ठीक है, आ जाया करो यार, आप ही लोगों के लिए है बेटा जी, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, सो बाय बाय, धन्यवाद।